चार हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर चल, यहाँ पे बारिश शुरू भाई, ठीक है मैगी बन के रेडी, हम आ गए हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इच्छित राजस्थानी। तो गाइस आज का दिन करते हैं स्टार्ट। तो गाइस आज अभी सबसे पहले मैं उठा हूँ, मैंने चाय पी, नाश्ता किया और अभी बाहर आया हूँ। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से थोड़ा सा बॉडी पेन हो रही है और हल्का हल्का फीवर जैसा हुआ है मुझे, तो मैं पहले जाऊंगा हॉस्पिटल। तो गाइस ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें मेरा एक दोस्त रहता है, काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा, वो भी एक्टर ही है, एक्टिंग करता है और ये इस बिल्डिंग में रहता है जो बीच में आती है। तो गाइस चलते हॉस्पिटल, अगर खुली रहेगी तो दिखा देंगे, वरना कल दिखाऊँगा अभी, क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा लेट हो गया, अभी 12 बजे है, तो क्या पता खुला रहेगा हॉस्पिटल या नहीं। चलो चल तो लेते हैं। गाइस अभी आधे घंटे पहले ही बारिश हुई थी, बहुत सारी बारिश हुई थी, तो पूरा भीगा भीगा हो गया है रास्ता। तो गाइस अभी मैं हॉस्पिटल पहुंचने वाला हूँ, बस आने ही वाला है। मेरा जो रूम है ना, उसके थोड़ा ही 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में वर्सोवा करके बीच है, तो बीच पास में पड़ता है ना, इसकी वजह से इतनी हवाएं तेज चलती है ना यहाँ पे। तो गाइस फाइनली मैं अभी आ गया हूँ हॉस्पिटल के अंदर, तो चलो हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। A few moments later. So guys, मैं अभी हॉस्पिटल आया था और गाइज यहाँ पे अंदर गया, तो वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल अभी बंद हो गया है, मतलब 2 बजे बंद हो जाता है हॉस्पिटल। तो कोई नहीं गाइज, आज तो नहीं हो पाया, कल आते हैं फिर वापस, देखते हैं कल कुछ होता है या नहीं होता है। तो अभी ऑलरेडी लेट हो गया, क्योंकि 2 बज गया है तो ऑब्वियसली बंद हो गया होगा। मेरे को थोड़ा लेट हो गया, सुबह जल्दी आना था यहाँ पे, बट कोई नहीं। ये गाइज यहाँ की बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि पास में पड़ती है, तो यहाँ पे मैं आया था। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। आज तो गाइस थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कल सुबह जल्दी आना पड़ेगा, जल्दी आऊँगा तो डॉक्टर मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, दिखा सकता हूँ। तो अभी चलो सीधा चलते हैं रूम पर। सो गाइस मैं जस्ट हॉस्पिटल के बाहर आया और रूम पे जा ही रहा था, तो अचानक यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। देख लो, मैंने बोला था ना मुंबई का वेदर अचानक चेंज हो जाता है। जब मैं घर से निकला था ना, तो बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम क्लियर आसमान था, और अचानक देखो बारिश शुरू हो गई। A few moments later. गाइस देख लो अभी वापस बारिश बंद हो गई, थोड़े टाइम पहले कितनी बारिश हो रही थी, अभी देखो बंद हो गई। ऐसे ही रहता है मुंबई का मौसम, चेंज होता रहता है। गाइज अभी मैं रूम पे जा ही रहा हूँ, तो शुभम का कॉल आया, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है काफ़ी पुराना, जहाँ मैं पहले मलाड में रहता था ना, तो वहाँ पे वो मेरा दोस्त बना था, तो वो मेरे रूम पे आया, मैंने उसको एड्रेस भेजा था। तो चलो अभी उससे मिलते हैं। A few moments later. So guys अभी मैं रूम पे गया था और भाई आए हुए थे वहाँ पे, दर्शन नाम है भाई का, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त है, पहले भी हम मिले हुए हैं। तो गाइज भाई को जल्दी हो रही कि मेरे को जाना है, मेरे को थोड़ा लेट हो गया आने में, तो भाई अभी जा रहे हैं यार, थोड़े टाइम के लिए तो रुक जाता भाई, अर्जेंट काम आ गया थोड़ा, तो ठीक है कोई नेक्स्ट टाइम आना, अच्छे से अपन घूमने जाएंगे। गाइज हवाई कितनी तेज चल रही है, देख लो पूरा वेदर ही चेंज हो गया अचानक 15 मिनट में। चलो तो गाइज भाई जा रहे हैं, भाई ठीक है मिलते हैं आना। सो गाइज मेरा दोस्त तो चला गया है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, मेरे को नहाना भी है, सुबह से नहाया नहीं हूँ मैं, और नहाऊंगा, थोड़ा रेडी वेडी हो जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कोई प्लान होता है तो कहीं जाएंगे। सो गाइज मैं सीधे रूम पे आया और मुझे लगी थी भूख, तो फिर सोचा कि मैगी बना लूँ, तो अभी मैगी बना रहा हूँ। मैगी तो गाइज हमारी मैगी बन के रेडी हो गई है, तो उसको खाते हैं फिर जाते हैं बाहर। सो गाइज फाइनली मैं रूम के बाहर आ गया हूँ और आज अभी और इसी वक्त मैं आपको लेके जाऊँगा, यहाँ पे एक पास में एक शॉपिंग मॉल है बहुत ही बड़ा और काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि आज गाइज लग रहा है कि बारिश होगी अच्छी खासी, तो एनवायरनमेंट पूरा बारिश जैसा हो गया, तो मेरे को लगा कहीं दूर जाना सही नहीं रहेगा, इसलिए पास में आपको कहीं लेके जाता हूँ। तो सोचा कि एक शॉपिंग मॉल है वहाँ पे लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वो वहाँ पे कैसा कुछ है और क्या है। चलो अभी चलते हैं सीधा वहाँ पे। गाइस देख लो पूरे बादल बादल हो गए हैं और मुझे लगता है कि आज बारिश आएगी अच्छी खासी, तो चलो चलते हैं। सो गाइस सुबह से यहाँ पे
इतनी हवाएं चल रही है, बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही है। सो गाइज, बारिश के मौसम में शूज़ पहन के आते ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, लेकिन शूज अच्छे लगते हैं ना इसलिए पहनना पड़ता है। बाकी चप्पल कंफर्टेबल रहता है बारिश के मौसम में। सो गाइज, रक्षाबंधन भी आ रही है 2-3 दिन बाद, तो देखते क्या होता है। एक्चुअली मैं तो राखी पे घर नहीं जा पाऊँगा इस बार, क्योंकि मुझे आए हुए 6-7 दिन ही हो गया, तो 6-7 दिन बाद क्या घर पे जाऊँ। तो घर नहीं जाऊँगा, मुंबई में ही रहूँगा, और मेरी एक मुंबई में एक तो सिस्टर भी है, उनसे मिलने जाऊँगा। और भी कुछ अलग प्लान रहेगा तो आपको वीडियो में पूरा देखने को मिल जाएगा। तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं। तो गाइस, कितने सारे कबूतर देख लो, और ये बीच में बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है। हमको सीधा जाना है, सीधे जाके इधर साइड मुड़ना है, फिर आएगा इन्फिनिटी मॉल। सो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं इन्फिनिटी मॉल। यही मॉल बता रहा था मैं आपको, ये मेरे रूम के जस्ट थोड़ा सा ही दूर है, तो मैं आज यहाँ पे घूमने आया हूँ। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है अंदर। सो गाइस, ये है एंट्री का गेट। सो गाइज, मैं अभी मॉल के ऊपर आ गया हूँ। सो गाइज, अभी मैं मॉल के अंदर आ गया हूँ और मैं ऊपर की साइड हूँ, और यहाँ पे एक गेमिंग जोन है, तो मैं आपको गेमिंग जोन के अंदर ले गया। गेमिंग जोन के बाहर, और अभी आपको और कुछ दिखाता हूं अगर। A few moments later. So guys, मैं मॉल से तो बाहर आ गया हूं, और अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, रात होने वाली है, तो अभी मैं जा रहा हूं रूम पे। और गाइज, अभी शुभम का कॉल आया था, और शुभम बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है भाई, कुछ लेके आना। तो गाइज देखते हैं, बीच में कुछ मिलता है तो लेके जाऊंगा उसके लिए। तो गाइज, मैंने वड़ा पाव लाए थे 2, मेरे और शुभम के लिए। सो गाइज, मंजर भाई ने आज हमारे से टमाटर की सब्जी बनाई है, बहुत ही प्यारी, तो खाते हैं, टेस्ट करते हैं। सो गाइज, आज का दिन तो हो गया पूरा, और गाइज आज काफ़ी मज़ा आया, और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जितना बता सका उतना मैंने आज के ब्लॉग में आपको बताया। तो गाइज, अभी इस ब्लॉग को करते हैं फिनिश, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।